जय दोस्तों, मैं मुकेश श्रीवास्तव और इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही खास है, क्योंकि 2018 में और 19 में जो दिए गए प्रमुख पुरस्कार है वो मैंने यहां पे लिखा हुआ है। अगर आप बिहार पुलिस का एसआई का एग्जाम देने जा रहे हैं या कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो इन पुरस्कारों को आप जरूर याद कर लें। तो चलिए फिर देखते हैं क्या क्या पुरस्कार है यहाँ। पहला है मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2019। देखिए, इस नाम से दो पुरस्कार आता है, एक मेन बुकर पुरस्कार और एक आता है मेन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। तो ये अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार वाला है, किसको मिला है तो नाम है जोखा, जैसे बिहार में है चोखा और अवार्ड मिला है जोखा को। और आगे है अल हार्थी, ठीक, यानी हाथी यानी हार्थी, ऐसे हिंट करके याद कर लीजिएगा। जोखा अल हार्थी रहने वाली कहां की है, ओमान की। और इन्होंने जो किताब लिखा है उसका नाम क्या है, सेलेस्टियल बॉडी, यानी इसी पुस्तक के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। अगला है बिहारी पुरस्कार 2018। तो आप कहिएगा 18 वाला सर बता रहे हैं, भाई 18 में 18 के लिए मिला है, लेकिन यह पुरस्कार दिया गया है 2019 में, ठीक। तो बिहारी पुरस्कार 2018 किसको मिला है तो मनीषा कुलश्रेष्ठ को, इसी मई के महीने में मिला है। और कोई किस किताब के लिए मिला है तो नाम है स्वप्रपास, स्वप्रपास कृति के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। अगला है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018, ये आपको याद भी होगा, अमिताव घोष, किताब का नाम है द सर्किल ऑफ रीजन और दिस शैडो लाइन। ये दोनों किताब याद रखिएगा, कहीं पूछ सकता है कि द शैडो लाइन किसने लिखा है तो अमिताव घोष। लेकिन एक खास बात यह भी है कि भाई ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो हिंदी के क्षेत्र, इंग्लिश के क्षेत्र में नहीं दिया जा रहा था, तो 3 साल पहले इंग्लिश को जोड़ा गया। और ये पहले राइटर यानी अंग्रेजी राइटर हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। अगला है व्यास सम्मान पुरस्कार 2018, मिला किसको है तो लीलाधर जगुड़ी, किताब का नाम बहुत बढ़िया है, जितने लोग उतने प्रेम, याद भी हो जाएगा। अगला है सशक्ति सम्मान पुरस्कार 2018, मिला किसको है तो के शिवा रेड्डी को, नाम याद हो जाएगा, कितना नाम याद करना बड़ा मुश्किल काम है। देखिए नाम किसका है, पकाकी ओटी गिलिते, भावनाओं को समझ लीजिएगा, तेलुगु है ये तो। अगला है सत्यजीत राय लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, इसे दिया गया तो बुद्ध देव दास गुप्ता। इधर देखते हैं, इधर भी कुछ यूनिक नाम है पुरस्कारों के, तो वो भी याद रखिएगा, क्योंकि आजकल बड़े बड़े एग्जाम में ये सब ना देकर ये सब पुरस्कार देने लग रहा है। तो पहला पुरस्कार है टेम्पलटन, टेम्पलटन पुरस्कार 2019 किसको दिया गया है तो नाम है मार्सेलो बीदर, कहां के रहने वाले हैं तो ब्राजील के, तो ये ब्राजील वाला सब याद रखिएगा। आगे है एबल पुरस्कार 2019, यह भरित के क्षेत्र में दिया जाता है। ये मैं बता दूं कि भाई सबसे ज्यादा बीबीआई है, काहे कि इस यह पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन है तो करेन उलेनबेक, उलेनबेक कहां के रहने वाली है, यूएसए के, यानी पहली महिला है, इसमें खासकर ये याद रखिएगा। अगला है डेन डेविड पुरस्कार, किसे दिया गया तो संजय सुब्रमण्यम को, ये इतिहासकार है, ठीक। अगला है राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार 2019, या एशिया के लिए दिया गया है, तो जो युवा है वो कौन है, पद्मनाथन गोपालन, इन्हीं युवा को पुरस्कार दिया गया है। भाई ये एक संस्था के संस्थापक हैं, नो फूड वेस्ट, ठीक, इसलिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। अगला है विडहैम कैंपबेल पुरस्कार 2019, ऐसे यह पुरस्कार बहुत लोगों को मिला है, लेकिन जो भारतीय है उनको ना, उनका नाम भी आपको याद रखना होगा, नाम है रघु कर्नाड, नॉन फिक्शन क्षेत्र में दिया गया है। अब पूरा याद करने से कोई फायदा होता है नहीं। अगला है यशवंत राव चौहान राष्ट्रीय पुरस्कार 2019, इसे दिया गया तो रघु राम राजन, नाम सुनते ही याद हो गया है, रघु राम राजन ये क्या थे तो आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे। नेक्स्ट है पहला, यानी यह पुरस्कार पहला पुरस्कार है, पहला शेख सऊद इंटरनेशनल अवार्ड 2019 किसे दिया गया
तो भाई एक वैज्ञानिक को दिया गया, भारतीय वैज्ञानिक को, नाम है सी एन आर राव, सी एन आर राव वैज्ञानिक है। अगला एक और पुरस्कार, पहला पहला पुरस्कार है, पहला फिलिप कोटलर अवार्ड 2019 मिला किसको है, तो भाई भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनको मिला है। ऐसे इनके लिए खासकर ऐसा अवार्ड बनाना होगा कि नरेंद्र मोदी जी को कितने पुरस्कार दिए गए, लाइन से लिखा जाएगा तो बहुत सारे पुरस्कार हो जाएंगे 2018-19 को मिला। तो चलिए अभी ये याद रख लीजिएगा, आगे ऐसे ही बना देंगे कभी। अगला है दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, अवार्ड है 2019 का और यह अभी दिया गया है आपको मई में। किसको मिला है, तो फिल्म में अच्छा योगदान देने के लिए मधु भंडारकर को मिला है और विशेष के रूप में यानी विशेष पुरस्कार मिला है सलीम खान को और हेलन जी को। ठीक, अगला है गांधी शांति पुरस्कार 2015 से 2018, 15 में नहीं दिया गया, 16 में नहीं दिया गया, 17 में नहीं दिया गया, 18 में दिया गया, तो पूरा का पूरा थोक में याद कर लीजिए, लीजिए भैया 4 साल का एक के बाद। ठीक, तो चलिए एक के बार है तो याद कर लिया जाए। 2018 के लिए मिला है योहेई ससाकावा, ठीक, योहेई ससाकावा जापान के हैं। 17 के लिए मिला है किसको, तो एकल अभियान ट्रस्ट को, और 16 के लिए मिला है अक्षय पात्र फाउंडेशन और सुल्लभ इंटरनेशनल को, दोनों कंबाइंड है, और 15 के लिए मिला है विवेकानंद केंद्र को, यानी कन्याकुमारी के विवेकानंद जो केंद्र है उसको। और एक बहुत पहले ही है, आपको याद भी होगा, भारत रत्न पुरस्कार 2019 मिला है प्रणब मुखर्जी को, नानाजी देशमुख को और भूपेंद्र हजारिका। ऐसे और सब भी अवार्ड है, पार्ट टू भी लेकर आएंगे, तो जितना जल्दी कोशिश करेंगे पार्ट टू भी लेकर आ जाए और पूरा का पूरा पुरस्कार कंप्लीट हो जाएगा। और इतना खास कर याद रखिएगा, बिहार एसआई हो या आने वाले एमटीएस हो, एनटीपीसी हो, रेलवे ग्रुप डी हो, हर एग्जाम के लिए काम आएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जय हिंद।